नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया पर। जी हां साथियों, लगातार ट्रांसफर को लेकर तरह तरह के अपडेट मिल रहे हैं, जिसको लेकर जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी साथी हैं काफी ज्यादा असमंजस में है। लगातार उनके प्रश्न आते रहते हैं कि क्या ट्रांसफर पॉलिसी जारी होगी या नहीं। अभी हाल ही में मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें निकल कर सामने आई थी कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह इस बार जारी नहीं होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर नीति को लेकर अपनी असहमति जाहिर की थी। ऐसे में कर्मचारी साथियों के लगातार प्रश्न आ रहे थे। पिछला जो हमारा लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम था, जो कि कल ही था, जिसमें हमने बताया था कि 100% शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह आएगी, और अन्य विभागों की भी यदि हम बात करें तो 80% चांस है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह आ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्हें देखते हुए जो विभिन्न मंत्री हैं, विधायक हैं, वह जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से ट्रांसफर को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, उसी बीच कल जो कि मंगलवार था, तो कल कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। उसी कैबिनेट बैठक में काफी सारे मंत्रियों ने, साथ ही साथ कई विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अपने विचार रखे और उनसे अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए ट्रांसफर से बैन हटाया जाए, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बिल्कुल हम कुछ समय के लिए जो ट्रांसफर है वह करने वाले हैं और जल्दी इस पर हम निर्णय लेंगे, यानी कि जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए एक काफी बड़ा अपडेट है और काफी अच्छी खबर निकलकर ट्रांसफर को लेकर आई है। समाचार पत्रों में भी इस चीज को लेकर प्रमुखता के साथ लिया गया है। आप हमारी साइड में देख ही रहे होंगे, प्रदेश में तबादलों से हटेगा प्रतिबंध, यानी कि अब प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटने वाला है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि मीडिया कवरेज जो भी होती है, सोर्सेज के माध्यम से ये खबरें प्रदान करती है, चाहे हम हो या अन्य कोई मीडिया सोर्सेज हो। तो पिछला जो लाइव स्ट्रीम हमने किया था, उसमें दावा किया था कि निश्चित तौर पर ट्रांसफर को लेकर कोई नया अपडेट जल्द मिलेगा, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इतने जल्द ही मिल जाएगा। और लगातार हमारा लाइव स्ट्रीम कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें हम प्रमोशन से जुड़े हुए, साथ ही साथ ट्रांसफर से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और आप भी यदि ट्रांसफर कराने जा रहे हैं या प्रमोशन से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या कर्मचारी जगत से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, निश्चित तौर पर आने वाले समय में, जैसा कि स्कूल प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण समी जी ने कहा था कि 15 जून के बाद हम शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति अन्य विभागों में भी बन सकती है। जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी पर निर्णय होने वाला है, कर्मचारी साथी निश्चिंत रहें। निश्चित तौर पर चुनाव से पहले जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह देखने को मिलेगी, और संबंधित कर्मचारी जो लंबे समय से ट्रांसफर पॉलिसी आने का इंतजार कर रहे हैं वह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।